ध्यान। क्या हुआ बेटे, हो गई बात उससे? बात नहीं हुई मेरी उससे। नहीं बताया गया तुमसे? वो यूनिवर्सिटी ही नहीं आई आज। तो फोन पे बता देना था। उसका नंबर भी बंद जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, कल कर लेना बात। बल्कि एक काम करो, कल तो मुझे अपने साथ ले चलो उसके घर, मैं खुद बात करूंगी उससे, मैं बताऊंगी उसे तुम्हारा सच। उसे खो देने के खौफ ने तुम्हारी जबान पे लगे ताले को खुलने नहीं देना। अम्मी, उसे बुरा लगेगा कि मैंने उसे ये सच क्यों नहीं बताया। हाँ तो ये भी बताऊंगी उसे कि ये भी एक सबूत है तुम्हारी मोहब्बत का, कि तुम उसे सच बताने से डर रहे हो। वाकई में? तो हमें उसे प्लीज ये भी बताइएगा कि मुझे खुद पे इतना यकीन है कि मैं जिंदगी का हर सुख दूंगा उसे। जिन्हें मोहब्बत पे भरोसा होता है ना नूरिया, किसी और सुख की तमन्ना नहीं करते। मालिका, बाहर अकील बुला रहा है, सलमा की तरफ जाना है। मैंने एक रिश्ता खत्म हुआ है, सब रिश्ते तो नहीं खत्म हुए ना। सलमा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम बस खड़े खड़े होकर आ जाओ। हाँ तो आप जाए ना, आपकी बहन है वो। नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं मुन्नी को लेकर फिर किसी दिन चली जाऊंगी। हाँ तो मुन्नी को भेज देना, अभी चली जाएगी। हर बात में अपनी मनमानी मत किया करो। अम्मी देखे, खाला को वैसे भी मुझे वहां देखकर कोई खुशी होने नहीं वाली, तो मेरे जाने का फायदा भी नहीं है ना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम, आओ बेटा। अम्मी बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ सुबह ठीक नहीं थी, लेकिन अब ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती। नहीं, मूड नहीं है मेरा। अच्छा बैठो तो सही, आसिम अभी आता ही, किसी मेहमान को छोड़ने गया है। देखिए खाला, वो तो मेहमान पे डिपेंड करता है ना कि आसिम की वापसी कब तक होगी। नहीं, वो आसिम के साथ दफ्तर में काम करती है और मेरी आदत के लिए आई थी। अच्छा, उसके साथ दफ्तर में काम करती, यानी कोलीग है उसकी। खाला आसिम की कोलीग, स्पेशली जो फीमेल कोलीग है, कितनी अच्छी है ना, मतलब घर तक आ जाती हैं। खैर अच्छी तो वो है, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है। इसलिए खाला आपसे कहता हूँ कि नजर रखा करें उस पर। मैंने उस लड़की को एक बार पहले भी देखा था आसिम के साथ। वो तो रोज होती है उसके साथ दफ्तर में जो काम करते हैं दोनों। मतलब पहले एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे और अब एक ही गाड़ी में साथ सफर करना शुरू हो गए। मैंने आसिम को खुद भेजा उसके साथ, जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ ना ही हो तो बेहतर है खाला, क्योंकि ऐसी कोई भी बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। ख्याल रखिएगा अपना, चलता हूँ। बहन का इनकार तो बर्दाश्त हो गया, और अगर मेरा बेटा किसी लड़की के साथ गाड़ी में चले जाए तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। हाय।
मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की थी कि कल मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगा। अच्छा, वजह नहीं पूछोगी ना आने की? क्या वजह है? कल मैं अम्मी को तुम्हारी तरफ लेके आ रहा हूँ। सच? हाँ हाँ बिल्कुल सच। अब तो खुश हो ना तुम? मलिका, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ। मलिका, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम हो। मैं जानता हूँ कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ तुम बहुत हर्ट होगी। मुन्नी, क्या है? जल्दी से प्रोटीन शेक बना दो मुझे। मलिका, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। मैं जिस कोठी में रहता हूँ मेरी माँ वहां पे मेड है, और मैं उसी कोठी के बेसमेंट क्वार्टर में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरा तुमसे वादा है कि जिंदगी की हर आसाइश दूंगा तुम्हें, हर ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं तुम्हारी। मलिका, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ सुन रही हूँ। नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? भाई क्यों नाराज होंगी तुमसे, स्टूपिड। अच्छा चलो बाद में बात करती हूँ। बाय। मैंने बता दिया मलिका को हमारे आने का। जी ये भी, और जो अब तक नहीं बताया था वो भी बता दिया। तो कुछ कहा नहीं उसने? कुछ भी नहीं कहा उसने। मैं बिला वजह परेशान हो रहा था कि वो नाराज हो जाएगी। उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने माइंड तक नहीं किया। अच्छा। मैं आतिफ भाई से गाड़ी की चाबी लेने जाऊंगा ना तो उन्हें बताऊंगा। वो खुद ही साथ चलने की जिद करेंगे। आतिफ भाई को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों अम्मी? अच्छा क्यों लेके जाना है उन्हें साथ? हाँ ये दिखाने के लिए कि हम एक अमीर आदमी को जानते हैं। बेवकूफ, कोई जरूरत नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। अच्छा ना बाद में बता देना, कल हम खुद ही चले जाएंगे और गाड़ी वाड़ी मांगने की जरूरत नहीं है। चले जाएंगे तुम्हारी मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल? मम्मी मोटरसाइकिल पे कौन रिश्ता लेने जाता है? अरे भाई टैक्सी में चले जाएंगे, क्या हो गया? मैं आप भी ना, इतना दूर था सना का घर, अब खामखामे लोगों पर इतनी मेहरबान हो जाती। अगर वो इतनी दूर आ सकती है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही? मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऑफिस के लोग यहाँ पर घर पर आए। आपको क्या जरूरत थी सना को यहाँ पर बुलाने की? मैं तो आइंदा भी बुलाऊंगी उसे। मुझे तो बहुत अच्छी लगी वो बच्ची, अपनी अपनी सी लग रही थी। मैं अकील क्या सोचता होगा, मैं उसे कहकर गया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। अकील जो कुछ भी सोच रहा हूँ अब मुझे कोई परवाह नहीं। अभी लेकिन मुझे तो परवाह है ना, उसे मुझे सना के साथ देखा है, जाने क्या सोचता होगा वो। वही सोच रहा है जो तुम समझ रहे हो। इसी बात से तो डर रहा हूँ मैं। हम क्यों डरे? मलका के इनकार की वजह से उसके सोग में बैठ तो नहीं सकते ना। मम्मी प्लीज, आप खुदा के लिए मलिका के इनकार को इतना सीरियस मत लें। पागल मत बनो, वो इनकार तो अब हो चुका, और अगर तुम उस इनकार को सीरियस नहीं ले रहे ना तो ले लो, क्योंकि मुझे आगे भी तुम्हारे बारे में फैसला करना है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आज यूनिवर्सिटी नहीं गए तुम? नहीं, वो अम्मी को कहीं लेकर जाना है आज। कहाँ? आतिफ भाई अब आपसे तो कोई बात नहीं छुपा सकता, असल में ना आपकी होने वाली भाभी घर लेकर जाना है अम्मी को।
रियली? ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आंटी ने बताया नहीं मुझे। वो अम्मी ने कहा था कि बस एक दफा मैं रिश्ता फाइनल करके आ जाऊं, फिर आपसे मिलवाऊंगी मैं। ठीक है, ड्राइवर अभी आएगा, तुम ऐसा करो गाड़ी लेकर चले जाओ। पहली दफा माँ के साथ ससुराल जा रहे हो, बाइक पर जाना अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं आती भाई, उसकी जरूरत नहीं है। वो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। और हाँ, वो ड्राइवर मिठाई भी ले आएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू आते भाई। आपकी होने वाली भाभी घर लेके जाने में तुम कहीं जा रहे हो क्या? जा तो रहा हूँ। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसी कर लेना बात। नूरियान और उसकी माँ जा रहे हैं। क्या? नूरियान और उसकी माँ आ रहे? अरे मैं आपसे कह चुका हूं ना कि वो लोग इस घर में नहीं आएंगे। जिद मत करो, आखिर मिलने में हर्जी क्या है? मुझे तो आप पे हैरत हो रही है कि आपने ये सोचा नहीं कि जब ये बात खाला और आसिम को पता चलेगी तो क्या सोचेंगे वो लोग? कुछ नहीं सोचेंगे। क्या मतलब कुछ नहीं सोचेंगे? आसिम और सलमा अच्छी तरह जानते हैं मलका अभी इस शादी के हक में नहीं है। ये बात मलका ने बोली आपने? होश करो। अरे कैसे होश करूं? एक अजनबी शख्स को घर में बुला रही है और आप मुझे कह रही है मैं होश करूं? तो मिल लेने में हर्ज क्या है? हो सकता है जैसे मलका कह रही है वो लोग वैसे ही हो। तो फिर एक काम करें, आप लोग जाके मिल लीजिए, मुझे नहीं मिलना। मैं मिल लूं? तुम भाई हो उसके, इस घर के वाहिद मर्द, तुम्हारा मिलना भी जरूरी है बेटा। अगर मैं मिलूंगा ना, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, आपको बुरा लगेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ घर आए मेहमान से कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता, और वैसे भी तुम तो उसके भाई हो ना। भाई तो बहनों के लिए बहुत कुछ करते हैं, क्या तुम अपनी बहन के लिए थोड़ी देर के लिए घर में रुक नहीं सकते? ठीक है, रुक जाऊंगा। खुश, अब जाए। हुआ ना सब कुछ पहले ही बता दिया, अब कम अज कम कोई घबराहट तो नहीं होगी, कोई नदामत तो नहीं होगी। सही कह रही हैं, बस आपने ना रिश्ता पक्का करवा के ही उठ रहे हैं। इतनी जल्दी थोड़ी मानता है कोई। जैसे आपको अपने बेटे की खुशी अजीज है ना, बिल्कुल इसी तरह मलिका के घर वालों को भी उसकी खुशी अजीज होगी। चल देखते हैं। इसे एक बात बोलूं, नूरियान भाई तो बिल्कुल हीरो की तरह दिखते हैं। शुक्र है, नूरियान को देखकर तुम्हें ये तो अंदाजा हुआ क्या आसिम से अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। हाँ, और पता है वो इतनी शानदार गाड़ी में आए हैं और अपने साथ मिठाई भी ले आए, जिससे अम्मी ने तो आज ही हाँ कर देनी है। नूरियान ने मुझे कहा था कि वो हाँ करवाए बगैर नहीं जाएगा, उनके तो इरादे से भी यही लग रहा है। अच्छा आप ये सब कुछ छोड़ दें, मैं कर लूंगी। पता है नूरियान भाई की अम्मी तो आपको देखने के लिए इतना बेताब हो रही हैं। हाँ लेकिन पहले चाय तो बना लूँ। अरे मैं कर लूँगी ना, अम्मी भी आपको बुला रही हैं, आप जाएं। हाँ लेकिन तुम्हें सब कुछ मैं ट्रे में लगा के दूँगी, तुम पता नहीं कैसे लगाओगी। सही से लगा लेती हूँ, ऐसे तो नहीं है। मेरा एक ही बेटा है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसे लोग मिले जिनमें शर्म हो, लिहाज हो, हया हो। ये तो आपका बड़ा पन है,
वरना आप जैसे बड़े लोग अपने से नीचे कहाँ नजरें उठाकर देखते हैं। बड़े लोग? अरे इनके कहने का मतलब ये है कि ये तो आप लोगों का बड़ा पन है ना कि आप लोग हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास रिश्ता लेकर आए हैं। आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं? अस्सलाम वालेकुम। मलिका, ये मेरी अम्मी। चलो यहां से नूरियान। क्या हुआ मैं? क्या मतलब, कहाँ जा रही हैं आप? ये बात आप अपनी बेटी से पूछें तो बेहतर होगा। लेकिन हुआ क्या है? आ जाओ नूरियान, नीचे जा रही हूँ, फौरन आओ। अरे ए, ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? तुम यहाँ बेइज्जत करने आया हमें? यहाँ मेरी बात सुनो, कोई गलतफहमी हुई है। मैं अम्मी से जाके बात करता हूँ अभी। तुम इस मेड के बेटे? हाँ मलिका, मैंने तुम्हें कल रात कॉल पे बताया तो था। दफा हो जाए यहाँ से। और आइंदा के बाद अगर तूने मेरी बहन से मिलने की या उससे रब्ता करने की कोशिश की ना, तो मैं जान से मार दूंगा तुझे। चल जा, निकल यहाँ से, निकल। अरे क्या हो रहा है ये? अरे देख लिया ना आप लोगों ने, हो गया आप लोगों का शौक पूरा? देख लिया लड़का? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये सब। मलिका तुम बताओ ये सब क्या है बेटा? क्या है ये सब? अरे मुझे क्या बताओ, अम्मी अम्मी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? क्यों किया आपने सब कुछ? बस मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई भाई। झूठ अम्मी, आप झूठ बोल रही है, बात कुछ और है। कोई और बात होती तो मैं क्यों छुपाती तुमसे, बता देती तुम्हें। उसे ना पसंद करने की एक वजह बताएं आप मुझे। अच्छा तुम मुझे बताओ, उसे पसंद करने की कोई एक वजह? अम्मी हर जज्बे के पीछे कोई ना कोई वजह होती होगी, लेकिन मोहब्बत करने की कोई वजह नहीं होती। इसी तरह नापसंद करने की भी कोई वजह नहीं है, नहीं है मेरे पास। बस ये तय है कि इस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है नूरियान। कभी कोई और पसंद आ जाए, किसी और से मोहब्बत हो जाए तो बता देना मुझे, मैं चली जाऊंगी तुम्हारे साथ उसके घर भी। लेकिन अगर वो लड़की भी इस मलिका के जैसी निकली तो ये बात अपने दिमाग में से नशीन कर लो, फिर तुम्हारे हक में आशी ही बेहतर है। क्या मतलब? क्या मतलब कि वो भी मलिका जैसी निकली? मलिका में क्या बुराई है? अम्मी बोले ना। उसकी आंखों में जो बेबाकी और बेशर्मी थी वो शायद नजर नहीं आई तुम्हें। क्या मतलब, आपने इतनी सी देर में उसकी आंखों में कौन सी बेबाकी और बेशर्मी देख ली? तुम नहीं समझोगे। अम्मी मैं समझना चाह रहा हूँ, आप समझाएं मुझे। मैं नहीं समझा सकती हूँ तुम्हें। अम्मी आप जुल्म कर रही हैं मेरे साथ। अगर तुम्हें लगता है कि कोई माँ अपने बेटे पे जुल्म कर सकती है तो फिर ऐसे ही समझ लो। और मैं जुल्म पे एहतजाज करने का हक रखता हूँ। हाँ हक है तुम्हें, लेकिन उससे पहले एक बार उस लड़की से पूछ जरूर लेना, वो तुमसे शादी करेगी। तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? आप ही बस करें, क्यों रो रही है इतना? ऐसे नहीं रोते। अरे मुन्नी ये जितना रोना चाहती है इसे रो लेने दे, सजा भी तो इसने खुद ही अपने लिए तजवीज करनी है ना। अम्मी अब आप क्यों डांट रही हैं इन्हें? मैं डांट नहीं रही हूँ, तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। एक ही दफा रो लेना,
बार बार तुम्हें आंसू नहीं पोंछने पड़ेंगे। मुझे तो उन लोगों के रवैये पे हैरानी हो रही है। भला ऐसे कोई करता है? कोई ऐसे तभी करता है जब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात हो। तुम इसलिए रो रही हो कि इस औरत ने तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला तर्क कर दिया, या इसलिए कि जिसे तुम बहुत अमीर कबीर समझती थी उसकी माँ आया है? आया क्या मतलब है आपका? धोखा किया उन्होंने मेरे साथ, उसकी माँ आया है किसी कोठी में। नूरियान ने जब तुम्हें ये बात कभी बताई नहीं तो तुम्हें कैसे पता है? मेरी क्लास वालों के घर पे आया, मैंने तस्वीरों में देखा था। अच्छा चलो मान लिया, लेकिन उसकी माँ ने तुम्हें देखते ही कैसे पहचान लिया? चलो वो आया है इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत करके कमा कर खाना ये तो बड़े फखर की बात है, लेकिन भाई उस औरत पर अल्लाह का कोई खास करम है। ऐसा कैसे कह सकती है बाप अम्मी? भाई उस औरत ने तुम्हें देखते ही पहचान लिया कि ये लड़की मेरे बेटे के लायक नहीं है, तो हुआ ना उसके ऊपर खुदा का करम। अम्मी देखो बेटा, ये दुनिया मकाफाते अमल पर चलती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने भी किसी को धुतकारा था ना, आज तुम्हें कोई धुतकार कर चला गया। मामू ये तो गलत बात है, आप बात करें मामू से। मैं कोई बात नहीं कर रही, बस फैसला हो चुका है। आप ही तो कह रही थी अब नवेरा के पाकिस्तान आते ही हमारी शादी की बात करेंगी। तो बेटा मंगनी भी तो शादी का फर्स्ट स्टेप है। मंगनी कौन करता है इस जमाने में, डायरेक्ट शादी करते हैं। सही है भाई, नवेरा ने तो अच्छा खासा तुम्हें दीवाना बना दिया। मम आपकी भी ये ख्वाहिश थी ओके? मेरी ये ख्वाहिश जरूर थी कि तुम्हारी नवेरा से शादी हो जाए, लेकिन ये ख्वाहिश नहीं थी कि तुम इतने दीवाने हो जाओ। मम बात तो करें ना मामू से प्लीज। बेटा नहीं होता ऐसे, मैं क्या बात करूं उनसे, उन्होंने जो फैसला किया होगा नवेरा से पूछ के ही किया होगा। अब मैं इंसिस्ट करूंगी तो वो कहेंगे इनको क्या जल्दी है ऐसी। तो आप बात नहीं करेंगे मामू से? मैं समझ क्यों नहीं आ रही, अच्छा नहीं लगता। वो कहेंगे अच्छी बहन है पीछे ही पड़ गई है। ठीक मैं खुद कर लूंगा ना मेरे से, आप रहने दें। थैंक यू। क्या हो गया है? बात तो सुनो भाई। ए, ए, ए। बड़ी क्रेजी हो गया। अस्सलामुअलैकुम आते भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार तुम तो बहुत ही बेमुरव्वत निकले, मैं तो सोच रहा था कि सबसे पहले तुम मुझे फोन करके खुशखबरी सुनाओगे। सॉरी आते भाई, मैं कॉल करना भूल गया था। हाँ भाई अब हमें कौन याद रखेगा। अच्छा आंटी से बात तो कराओ मेरी। अम्मी से? हाँ क्या हुआ, बात कराओ, मुबारक तो दे दूं उन्हें। किस चीज की मुबारकबाद? भाई तुम्हारे रिश्ते की मुबारक तो दे दूं। अरे भाई रिश्ता तो नहीं हुआ। नहीं हुआ क्यों? तो अम्मी को लड़की नहीं पसंद आई। ओहो तो तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं बात कर लूंगा उनसे घर आकर, मान जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। जी अच्छा खुदा हाफिज़। आते भाई की कॉल थी, मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी उन्होंने। बता देना था ना तुमने कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई। मैंने बताया थी, वो भी वजह ही पूछ रहे थे। जब मुझसे पूछेंगे तो बता दूंगी मैं उन्हें।
नूरियान तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी अम्मी ने दुनिया देख रखी है, कोई तो वजह होगी जो उन्होंने तुम्हारी पसंद को रिजेक्ट किया। आतिफ भाई आप तो जानते भी हो उसे। कौन? वो मलिका, वो जिसके साथ मैंने स्टेज पे किया था, वही। ओह आई सी, शी इज अ फैंटास्टिक गर्ल। ये तो, अब आप मुझे भी बताएं, अम्मी को उसे रिजेक्ट करना चाहिए था? हाँ, रिजेक्ट करना बनता तो नहीं है। आतिफ भाई आप प्लीज अम्मी को समझाएं ना, अम्मी तो आपकी बात मानती भी है। नूरियान तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी बेटा। मैं खो नहीं गया था जो आप मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन अम्मी अगर आपने मेरी बात ना मानी ना तो मैं वाकई खो जाऊंगा। नूरियान काफी सीरियस है उस लड़की के बारे में। ना समझ। लड़की अच्छी है तो आप मान क्यों नहीं लेती? अच्छी ही तो नहीं है, लेकिन ये तो कह रहा है कि वो बहुत हसीन है। अंदाजा नहीं है ना नूरियान को कि जो हसीन होती हैं उनके हुस्न पर दूसरों की भी नजर होती है। तो आपने नूरियान को बताया नहीं कि आपने उसे रिजेक्ट क्यों किया? मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी बात पे आपसे उलझे, इसलिए मैं चाहती हूं कि ये राज हम दोनों के बीच ही रहे तो बेहतर है। नाराज मुझे होना चाहिए, मूड आपको। क्या जरूरत थी तुम्हें जाके आतिफ साहब से मलका के बारे में बात करने की? मैंने आतिफ भाई से इसलिए बात की थी ताकि वो आपको मनाए। क्यों? वो कौन लगते हैं तुम्हारे? उन्हें क्यों होगा तुम्हारा दर्द? हाँ, हमें छोटा भाई समझते हो मुझे अपना। भाई कहने और भाई होने में बहुत फर्क होता है नूरियान। आप तो हमेशा ही आतिफ भाई के खिलाफ रहती हैं। सुबह तक सोच के बता दो, मामू को फोन करूं या अभी तुम्हें वक्त चाहिए? मामू को फोन? नहीं अम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं मलिका से मोहब्बत करता हूं और उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई और नहीं ले सकता। आशी आ जाएगी ना तुम्हारी जिंदगी में तो उससे भी हो जाएगी मोहब्बत। गलत फहमी है आपकी, आशी में वो सारे गुण हैं जो तुम्हारी मलिका में नहीं है। होंगे, लेकिन मेरी जिंदगी में मलिका के अलावा किसी और की जगह नहीं है। लेकिन मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है, और अगर तुम्हें उसे अपनी जिंदगी में लाना है तो फिर तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं मलिका के बगैर खुश नहीं रहूंगा। नहीं जानती मैं, मैं सिर्फ ये जानती हूं कि मेरा बेटा उसके साथ खुश नहीं रह सकेगा। हमें क्यों लगता है आपको ऐसा? इस बात का जवाब बहुत तकलीफ देह होगा तुम्हारे लिए। आपके इनकार से ज्यादा तकलीफ देह नहीं होगा। वो नहीं है तुम्हारे लायक, नहीं है तुम्हारे लायक। अम्मी, जिससे मोहब्बत की जाए ना
वही हमसफर बनने के लायक होता है। एक तरफा मोहब्बत बहुत तकलीफ दे चीज होती है नूरियान। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? उसकी मोहब्बत का राज तो उसी वक्त पाश पाश हो गया था जब उसे ये पता चला था कि तुम मेरे बेटे हो, एक मेड के बेटे। उस घर की मालकिन के बेटे नहीं हो जो तुम उसे कहते रहे हो, उस घर की एक मामूली नौकरानी के बेटे हो। तुमने शायद देखा नहीं था उसकी आंखों में। हमें अगर वो अगर मलिका आपके सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ कर ले तो फिर तो आप मान जाएंगी ना? वो मेरे सामने तो क्या, तुम्हारे सामने भी इस बात का इतराफ नहीं करेगी मेरे बच्चे। एक चांस ही सही। ठीक है, तुम आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। मेरा तो बस नहीं चलता, मैं इसको यहां से खड़े खड़े रुखसत कर दूं। किसके साथ? मैं यही तो मसला है कि किसके साथ। मैं भी हैरान था कि वो उसकी इतनी जुरत कैसे कि मलका से रिश्ता जोड़ने के बाद वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ जाए। कोई और लड़की? हाँ जी, दूसरी लड़की। उसके ऑफिस में काम करती है और अब तो उनके घर भी आने लगी। किसने बताया तुम्हें? मुझे किसने बताया? अम्मी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सलमा को पता है इस बात? जी हाँ पता है। खाला कहती है कि वो आसिम की कोलीग है, लेकिन नहीं, मुझे बात कुछ और लग रही है। सलमा तो मलिका को दिल से बहू बनाना चाहती है और आसिम की मोहब्बत की तो मैं गवाही देती हूँ। बस मलिका को ही कदर नहीं है उसकी। तो पछताएगी ना अम्मी, पछताएगी सारी जिंदगी बैठ के। मैं तो समझती थी कि मलिका के इनकार से सलमा अपना फैसला नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारी इस बात से तो मैं डर गई। और इस डर का नाम सिर्फ एक हल है हमें, कि आप मलिका को समझाएं, समझाइए जाकर उसको। अगर अब भी ना समझी ना तो सारी जिंदगी पछताएगी। अब सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, मलिका दोबारा नूरियान से रابطہ ना करे। नहीं नहीं, नूरियान का तो वो नाम भी नहीं लेती है। गुड। मलिका, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी यार? क्योंकि मुझे तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना। लेकिन क्यों? अभी भी पूछ रहा क्यों? तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें बताया नहीं? अम्मी ने मुझे क्या बताना था? मलिका बताओ, मुझे जवाब दो।
मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। बस इतना समझ लो कि मलिका के दिल से नूरियान के लिए मोहब्बत तभी खत्म हो गई थी जब उसे उसकी हकीकत पता चली थी। लेकिन मलिका, मैंने तुम्हें अपनी हकीकत बताई तो थी। झूठ मत बोलो। मैं काया के बेटे से कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, भूल जाओ मुझे। पागल हो गई है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? नूरियान की कॉल थी। नाम मत लो उसका मेरे सामने। क्यों? आप तो कहती थी कि आपका उसके नाम पे दिल धड़कता है, और अब इतनी नफरत? तुम चले पे नमक छड़कने आई हो? नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आपको उससे असली में मोहब्बत थी या ऐसी? मोहब्बत करती थी, तभी तो इतनी बगावत की मैंने उसके लिए। अच्छा, तो ये वो मोहब्बत थी जो ये जानने के बाद कि वो किसी आया के बेटे हैं खत्म हो गई। तुम चुप करती हो या नहीं, वरना दूंगी एक मुंह पे। वैसे आप सब छोड़े, मैं कहती थी ना आसिम भाई बहुत अच्छे, पर आपने उनका दिल दुखा दिया। खाला का भी फोन आया था, बता रही थी आसिम भाई का प्रमोशन हो गया। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इस न्यूज में अभी भी। वैसे तुम जिसे इतना मासूम समझती हो ना, वो मासूम है नहीं, ऑलरेडी मेरी जगह किसी और को दे चुका है। ऐसा नहीं हो सकता बेबी। अगर यकीन नहीं है ना तो जाकर अकील से पूछ लो। अरे अकील भाई को तो ना कोई गलत फहमी हुई होगी, आसिम भाई ऐसे थोड़ी है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। बल्कि तुम ऐसा करो, मेरी तरफ से जाकर उसको मुबारकबाद देकर आओ। हा?